नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत वर्ल्ड में। पिछले भाग में हमने जो जाना, एक बार जल्दी से उसका अभ्यास कर लेते हैं ताकि इस वीडियो में हमें कोई समस्या ना हो। पिछले भाग में हमने वेदांगों की तुलना वेद रूपी पुरुष से की, जिसमें मैंने आपको उनको एक मूर्ति में घटाकर बताया कि मूर्तिकार सबसे पहले मुख बनाएगा, उसके बाद घ्राण बनाएगा, फिर श्रोत्र बनाएगा, फिर नेत्र बनाएगा, फिर हस्त बनाएगा, फिर अंत में पाद बनाएगा। तो मुख से व्याकरण है, घ्राण से शिक्षा है, निरुक्त से श्रोत्र है, ज्योतिष से नेत्र है, हस्त से कल्प है और पाद से छंद है। इसके अलावा हमने निरुक्त और निघंटु के अध्यायों का वर्गीकरण जाना। निर्वचन तीन प्रकार के प्रत्यक्ष, परोक्ष, अति परोक्ष हैं, इनके बारे में जाना। यास्क के पूर्ववर्ती निरुक्तकारों को याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी थी। और अंत में प्रतिपाद्य विषय जाने। आज के इस व्याख्यान में हम निघंटु के शब्दों के बारे में उदाहरण सहित और कुछ परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप वहां जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां पर मैं आपको चैनल की जानकारी और PDF वगैरह उपलब्ध करवाता हूँ। तो चलिए आज के व्याख्यान को शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से हम सिलेबस को देख लेते हैं, उसको जान लेते हैं। पाठ्यक्रम में हमें निरुक्त का अध्याय एक तथा दो लगा है, उसमें चार पाद लगे हैं। नाम, विचार, आख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ, निपात की खोटियाँ, निरुक्त के अध्ययन के प्रयोजन, निर्वचन के सिद्धांत, निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्तियाँ, आचार्य, वीर, हरद, गो, समुद्र, वृत्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाग, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जात वेदस, वैश्वानर, निघंटु। निरुक्त का अध्याय सात दैवत कांड लगा है, वैदिक स्वर लगे हैं, जिसमें उदात अनुदात स्वरित और वैदिक व्याख्या पद्धति प्राचीन एवं अर्वाचीन। यास्क कृत निरुक्त निघंटु ग्रंथ की व्याख्या है। निघंटु ग्रंथ पांच अध्यायों और तीन कांडों में विभक्त है। एक से तीन अध्याय निघंटु कांड कहलाते हैं, चार अध्याय एकपदिक या निगम कांड कहलाते हैं, पांचवा अध्याय दैवत कांड कहलाता है। इन पंक्तियों के विषय में मैंने आपको पिछले ही व्याख्यान में बता दिया था कि कैसे पांच अध्यायों को यास्क ने 14 अध्यायों में उनका विस्तार कर दिया। अब यहाँ पर जानते हैं कि निघंटु के शब्दों को तीन भागों में विभक्त किया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक काम दूंगा, जिसका आपको चिंतन करना है, जिससे कि आपकी भी भागीदारी कक्षा में बनी रहे। पर्याय शब्द, यह शब्द आपने अपने बचपन में पढ़े हैं कि सूर्य के पर्यायवाची, पेड़ के पर्यायवाची, मेरे ही नाम के ले लो। पर्यायवाची तो आप समझ गए होंगे क्या होता है, अनेकार्थक शब्द। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अनेकार्थक शब्द अनेक अर्थ वाले शब्द, जैसे अंक, संख्या, गिनती, क्रमांक, चिन्ह इत्यादि अंक के अनेकार्थक हैं। अभिप्राय, प्रयोजन, तात्पर्य, आशय, मतलब, अर्थ इत्यादि अभिप्राय के अनेकार्थक हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं।
मेरा यहाँ इतनी भूमिका बांधने का यही तात्पर्य है कि मैं जो बिल्कुल सूक्ष्म भेद आपको उदाहरण सहित बताने जा रहा हूँ, आप उसको आजीवन भर ना भूलें। आपको याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े, आप इन चीज़ों को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पर्याय शब्द, अनेकार्थक शब्द और द्विवाच शब्द, ये इन तीन प्रकारों से निघंटु में शब्दों का विभाग किया गया है। अब इन तीनों को जानेंगे और तीनों के उदाहरण भी जानेंगे। पर्याय शब्द, इसमें एकार्थक अनेक शब्द और एकार्थक अनेक धातु, अर्थात एक अर्थ के अनेक शब्द यानी पद और एक अर्थ की अनेक धातुएं हैं, जिसके कारण इसका नाम निघंटुक कांड पड़ा। ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ का बोध करवाएं, पर्याय शब्द कहलाते हैं। निघंटु में एक से तीन अध्याय निघंटु कांड कहलाते हैं और निरुक्त में एक से तीन अध्याय कहलाते हैं। इन अध्यायों में पर्याय शब्दों के बारे में बताया गया है। तो इनके उदाहरण जान लेते हैं। जल को सलिलम, उद्गम, वारि, कुशम कहते हैं। इन पर्यायवाची शब्दों से केवल हमें जल का ही बोध हो रहा है, किसी अन्य का नहीं। वृक्ष, तरु, आगम, पेड़, पादप, विटप, गाछ, दरख्त, शाखी, विटप, द्रुम, इन पर्याय शब्दों से हमें वृक्ष का ही बोध हो रहा है, किसी अन्य का नहीं। पृथ्वी, धरा, धरती, भू, इला, उर्वी, धरित्री, धरिणी, अवनी, मेदिनी, क्षति, मही, वसुंधरा, वसुधा, जमीन, भूमि, इन पर्यायवाची शब्दों से हमें पृथ्वी का ही बोध हो रहा है, किसी अन्य का नहीं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अनेकार्थक शब्द, वे शब्द जो अनेकार्थक हैं अथवा अनवगत संस्कार हैं, अर्थात जिसमें यह स्पष्ट नहीं है कि शब्द किस धातु, किस प्रत्यय से बना है, उसका नाम ऐकपदिक या निगम कांड पड़ा। ऐसे शब्द जो अनेकार्थक होते हैं, अनवगत संस्कार, अर्थात उसमें हमें यह ज्ञात नहीं होता कि यह शब्द मुख्य रूप से किसका बोध करवा रहा है, क्योंकि वह शब्द अनेक जगह अनेकों का बोध करवाता है, जिससे हमें उसके एक अर्थ को जानने में समस्या आती है। उदाहरण से आपको अधिक स्पष्ट हो जाएगा। अनिश्चयार्थक होने के कारण इन्हें निगम, निगमों का समूह भी कहते हैं। इसलिए चौथे अध्याय का नाम ऐकपदिक या निगम कांड पड़ा और निरुक्त में चार से छः अध्याय में इनका वर्णन किया गया है। अब निगमों का प्रयोग जिन वेद मंत्रों में बताया गया है, उन्हें भी निगम कहा जाता है। वे भी अनिश्चयार्थक कहलाते हैं। ऐसे अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग जिन वेद मंत्रों में हुआ है, उनके अर्थ को पहचानने में हमें यह ज्ञात नहीं होता कि यह इसके लिए बताया गया है। उदाहरण, दानवे अकुपारस्य, विद्यां तस्य ते वयम् कुपारस्य दानवे। ऋग्वेद में यह पंक्ति प्राप्त होती है जो अनेक अर्थ को बताती है। विद्यां तस्य ते वयम् अकुपारस्य दानवे। हे इंद्र, वयम् यानी हम, ते यानी तेरे कुत्सित नहीं है, अर्थात जिस धन को पाकर हम भरपूर हो जाते हैं, ऐसे दानवे यानी दान को विद्याम यानी प्राप्त करें। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, तो उनको यज्ञ के पश्चात जो धन दान में दिया जाता है,
वे उसी धन को पाकर वे भरपूर हो जाते हैं। तो वे कहते हैं कि हे इंद्र, हमें तुम्हारे कुत्सित धन की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जिस धन को पाकर हम भरपूर हो जाते हैं, ऐसे दान को हम प्राप्त करें। दानवे का अर्थ दान है और अकुपारस्य का अर्थ अकुत्सित पूर्ण है। यहाँ पर दानवे का अर्थ दान लिया गया है और अकुपारस्य का अर्थ अकुत्सित पूर्ण लिया गया है। आदित्यो अपि अकुपार उच्यते, अकुपारो भवति दूरपारः। सूर्य भी अकुपार कहलाता है क्योंकि वह अकुपार यानी बड़े बड़े रास्ते को तय करने वाला होता है। उदय से लेकर अस्त तक बड़े लंबे लंबे रास्ते को तय करता है और दूर पार तक फैला हुआ है। यहाँ पर अकुपार का अर्थ बड़े रास्ते को तय करने वाला लिया गया है और अकुपार को सूर्य के अर्थ में बताया गया है। समुद्रो अपि अकुपार उच्यते, अकुपारो भवति महापारः। समुद्र भी अकुपार कहलाता है क्योंकि वह भी महापार यानी विस्तृत है, जिसका पार अत्यंत लंबा चौड़ा होता है। यहाँ पर अकुपार को समुद्र के लिए कहा गया है कि वह भी अकुपार है, वह अनंत तक फैला हुआ है। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, वहाँ तक समुद्र ही समुद्र फैला होता है। तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि यहाँ पर अकुपार का अर्थ इंद्र लिया है, इंद्र का वाची बताया गया है, यहाँ पर सूर्य का बताया गया है, यहाँ पर समुद्र का बताया गया है। इन तीनों अर्थों में अकुपार रूपी एक शब्द बहुत अर्थों में प्रयोग हुआ है, अतः यह अनेकार्थक शब्द है। आशा करता हूँ कि मैंने जो शुरू में भूमिका बांधी, उससे आपको इन दोनों के मध्य का सूक्ष्म भेद का ज्ञान हुआ होगा, जो आपको आजीवन पर्यंत स्मरण रहे। चलिए दैवत शब्द के बारे में जान लेते हैं। दैवत शब्द वे शब्द जो वेद में प्रधान रूप से स्तुत देवताओं के नाम हैं, ऐसे शब्दों को दैवत कहते हैं। देवता नाम समूहो दैवतम, देवताओं के नामों का समूह दैवत कहलाता है। ऐसे शब्द जो किसी एक देवता के विषय में कहे गए हैं, उन शब्दों का समूह दैवत शब्द कहलाता है। निघंटु के पांचवें अध्याय में देवताओं के नामों का संग्रह है, इसलिए उसे दैवत कांड कहते हैं और निरुक्त में यह 7 से 12 में है। यथा इंद्र के लिए मघवन, श्रुतकर्ण, वज्रहस्त, वृत्राह, उषा के लिए चंद्ररथा, वृषत्वत्सा, सूनरी, इन शब्दों को याद करने का मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। पहले आपने अपने विद्यार्थी काल में पर्यायवाची शब्द सीखे, फिर आपको और अधिक ज्ञान हुआ, जिससे आपको अनेकार्थक शब्दों का ज्ञान हुआ। अत्यधिक ज्ञानी होने के कारण आपको देवताओं की शरण प्राप्त हुई। आपको यहाँ पर अपने मन में ऐसी कल्पना करनी है कि जैसे आप अपने बाल्यावस्था में सबसे पहले प्रारंभिक कक्षाओं में आपको पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान हुआ, फिर जैसे आप में और वृद्धि हुई, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई, तो आपको अनेकार्थक शब्दों का ज्ञान हुआ, फिर उसके पश्चात आप और अधिक ज्ञानी हो गए, तो आपको देवताओं की शरण प्राप्त हुई। यहाँ से आप पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक और दैवत, इन तीनों का नाम याद रख सकते हैं। यह एक छोटी सी ट्रिक मेरे द्वारा बनाई गई है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
इस प्रकार आप दोनों ग्रंथों के अध्यायों को याद कर सकते हैं। 1 से 3 दोनों पुस्तकों में हमें लेने हैं। दोनों पुस्तकों में से 1 से 3 अध्याय हमें लेने हैं, निघंटू में भी और निरुक्त में भी। फिर निघंटू में हमें चौथा और पांचवा अध्याय लेना है और निरुक्त में हमें फिर से 3 अध्यायों का समूह लेना है और अंत में 3 और 3 अध्यायों का जोड़ करके फिर 6 अध्याय लेने हैं और अंत में 2 अध्याय। इस प्रकार आपको निघंटू के 5 और निरुक्त के 14 अध्याय इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। निघंटू इस शब्द को वैदिक शब्दकोश में कहा गया है। निघंटू में वैदिक शब्दों का संग्रह है। निघंटू ग्रंथ को कोश साहित्य का प्रथम ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इससे प्राचीन किसी भी भाषा का कोई कोश ग्रंथ नहीं मिलता है। यहाँ पर आप अपने से विचार कर सकते हैं कि इस संसार में पहले सबसे पहले वेद आए, उन वेद के शब्दों का वर्णन निघंटू में है, इसी कारण से यह कोश साहित्य का प्रथम ग्रंथ कहलाता है। निघंटू शास्त्र निर्वचन शास्त्र नहीं है क्योंकि उसमें निर्वचन प्रक्रिया नहीं बताई गई है। व्यास के कृत निरुक्त ही निर्वचन शास्त्र है क्योंकि उसमें निर्वचनों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर एक शब्द आया निर्वचन। मेरा हर क्लास में पाठ्यक्रम रखने का यही प्रयोजन है कि आपको यह स्मरण आ गया होगा कि यह हमने दूसरे अध्याय में लगा है। इसका वर्णन मैं आपको दूसरे अध्याय में करवा दूंगा। निरुक्त इसका उद्भव प्रथमतः वेदार्थ ज्ञान के लिए ही हुआ, परंतु वह केवल वेदार्थ ज्ञान में ही नहीं अपितु समस्त संस्कृत वाङ्मय के अर्थ ज्ञान में उपयोगी है। निरुक्त जो है इसका उद्भव सबसे पहले वेद के अर्थ के ज्ञान के लिए हुआ, परंतु वह केवल वेद के अर्थ के ज्ञान में ही नहीं अपितु इस सारे संस्कृत वाङ्मय में जो अर्थ ज्ञान के लिए उपयोगी है। निरुक्त एक प्रकार का निघंटू का भाष्य है। निघंटू पर निरुक्त नामक यास्क ने भाष्य लिखा है। निघंटू के शब्दों का निर्वचन निरुक्त में किया गया है। वैदिक शब्दानाम निर्वचनम, वैदिक शब्दों का निर्वचन निरुक्त में किया गया है। व्याकरण शास्त्र और निरुक्त शास्त्र में क्या अंतर है? यह भी दूसरे अध्याय से संबंधित है। यह तथ्य आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 पंक्तियाँ परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, इसलिए इनको मैंने यहाँ पे रखा है। तो इस शंका के निवारणार्थ कहा गया है, ये पंक्ति यास्क की है, आपसे पूछ सकते हैं। तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्नरयं स्वार्थसाधकं च। निरुक्त शास्त्र व्याकरण का कात्स्नर्य है, अर्थात यह व्याकरण की कमी को पूरा करता है और स्वार्थ साधक भी है, अर्थात इसका स्वतंत्र प्रयोजन भी है, ऐसा यास्क कहते हैं। यह पंक्ति सायण की है, अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम् यत्रोक्तम् तन्निरुक्तम्, अर्थात अर्थ का ज्ञान कराने के कारण ही यह वेदांगों में प्रधान है क्योंकि कल्प मंत्रों का विनियोग, विनियोग से तात्पर्य है याग, उसका प्रयोग, उसका क्रम। कल्प हमें यह बताता है कि याग में उसका क्रम क्या होना चाहिए, उनका प्रयोग कैसे कैसे हमें करना चाहिए, यह हमें कल्प बताता है। किंतु निरुक्त शब्द और अर्थ के निर्वचन का ज्ञान कराता है। इस प्रकार वेद का अर्थ स्पष्ट करने में निरुक्त आवश्यक है और यह व्याकरण शास्त्र का पूरक है। आज के व्याख्यान में बस इतना ही।
यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।